तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हो। वैसे मैं यहां इस वीडियो में ट्यूटोरियल पर्पस के लिए MI का फ़ोन रीसेट करने वाला हूं। वैसे आप किसी भी फ़ोन को रीसेट करने जाओ, स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। तो यहां पे मैं आपको इस फ़ोन को कम्प्लीटली रीसेट करके दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, अपने मोबाइल को रीसेट करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने मोबाइल को किसी को बेचने वाले हो सेकेंड हैंड, तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल को हार्ड रीसेट करके बेचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो भी डेटा आपके मोबाइल में रहते हैं वो कम्प्लीटली इरेज हो जाते हैं। इसके अलावा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गया है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो भी आप अपने मोबाइल को हार्ड रीसेट करोगे तो सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे मोबाइल में इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मेरा मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन इसमें सही से इंटरनेट नहीं चल रहा। मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ तो प्ले स्टोर नहीं चलता, कुछ भी ब्राउज़ करने के लिए क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ तो ये भी नहीं चलता। तो अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो रीसेट करने के बाद वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे रीसेट का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिसे कि आपको ध्यान में रखना है रीसेट करने से पहले। पहला नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीसेट करने के बाद आपके सारे डेटा इरेज हो जाते हैं, तो आपको अपने डेटा का बैकअप बना लेना है कहीं पे भी, जैसे कि गूगल ड्राइव पे, अपने लैपटॉप में। तो अपने डेटा को आपको कॉपी कर लेना है। डेटा मीन्स फ़ोटोज़, वीडियोस, फाइल्स, जो भी आप कॉपी करना चाहो उसे लैपटॉप में या फिर गूगल ड्राइव पे रख सकते हो एज ए बैकअप, और बाद में रिसेट करने के बाद उसे वापस अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लेना है। दूसरा पॉइंट, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके मोबाइल में साइन इन किए हुए अकाउंट्स हैं, जैसे कि आपका गूगल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, इन सब का आपको पासवर्ड और आईडी पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप रीसेट कर दोगे तो आपके सारे ऐप भी अनइंस्टॉल हो जाएंगे, और आपको फिर से सारे ऐप्स को इंस्टॉल करके अकाउंट लॉगिन करना होगा। तो वहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा जो जो अकाउंट आप लॉगिन करना चाहोगे। तो यहाँ पे मैं आपको अब स्टेप्स बताता हूँ। तो हार्ड रीसेट करने का आपको दो तरीका मिलता है। एक तो आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाके हार्ड रीसेट कर सकते हो, हार्ड रीसेट या फिर फैक्ट्री रीसेट। दूसरा, आप अपने मोबाइल को ऑफ़ करके पावर बटन और वॉल्यूम बटन को प्रेस करके हार्ड रीसेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेटिंग में जाके बताता हूँ कि कैसे आपको हार्ड रीसेट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर मुझे सेटिंग मिल जाता है, मुझे सेटिंग पर टैप करना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च में टाइप करना है रीसेट और फैक्ट्री रीसेट। तो अगर आप फैक्ट्री लिखते हो तो भी आ जाएगा, तो देख सकते हो फैक्ट्री डेटा रीसेट, या फिर आप सिर्फ रीसेट लिखोगे तो भी आपको रीसेट का ऑप्शन कहीं ना कहीं पे मिल जाता है। तो फैक्ट्री डेटा रीसेट, तो मैं यहाँ पे इस पर टैप कर लेता हूँ। तो अपने मोबाइल में रीसेट सेटिंग ढूंढने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मिल जाता है इस टाइप का ऑप्शन कि आप अपने मोबाइल से सारे डेटा को इंक्लूडिंग अकाउंट, कॉन्टैक्ट, फोटोज, ऐप, सब कुछ आप इरेज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपके पास MI का फ़ोन है तो आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि जब आप फॉर्मेट करने जाओगे तो आपके SD कार्ड मीन्स जो एक्स्ट्रा चिप आप अपने मोबाइल में लगाते हो उसका भी डेटा आपका इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप अपने SD कार्ड के डेटा को नहीं खोना चाहते तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में से SD कार्ड या फिर चिप, जो भी आप बोलते हो, उसे निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मेट मॉक SD कार्ड, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली SD कार्ड का भी फॉर्मेटिंग हो जाएगा, मीन्स ये भी आपका हार्ड रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बॉटम में या फिर कहीं पे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उस पर टैप करना है। उसके बाद अगर आपके मोबाइल में पिन या फिर पासवर्ड लगा है तो यहाँ पे आपको अपना पिन या फिर पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। तो मेरे मोबाइल में पिन लगा हुआ था, पिन इंटर करके मुझे नेक्स्ट पर टैप करना है। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल में MI अकाउंट बना हुआ है तो उसका मुझे यहाँ पर पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पासवर्ड इंटर करके ओके पे टैप करोगे और आपका रीसेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी इसे क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक ही फ़ोन को दो बार हार्ड रीसेट नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं आपको दूसरे मेथड में कम्प्लीटली हार्ड रीसेट करके बताऊँगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है, मीन्स पावर बटन यहाँ पर प्रेस कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे मोबाइल में ये वॉल्यूम बटन है और ये पावर बटन है, तो यहाँ पर मुझे इस पर होल्ड करके यहाँ पर पावर ऑफ का ऑप्शन मिलता है, तो मैं इसे स्विच ऑफ कर लूँगा। और दोस्तों, हार्ड रीसेटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपके मोबाइल में अच्छा खासा बैटरी परसेंटेज हो। तो दोस्तों, यहाँ पे अपने मोबाइल का पावर ऑफ करने के बाद यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में अवेलेबल वॉल्यूम बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम बटन है और ये पावर बटन है, मुझे एक साथ इसे प्रेस करना है।
उसके बाद देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मुझे मेन्यू मिल जाता है, इसमें कि आपको रिबूट का ऑप्शन मिल जाता है, वाइप डेटा का ऑप्शन मिलता है, कनेक्ट विथ MI असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे मैं हार्ड रीसेट करने के लिए वाइप डेटा वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन को यूज़ करना है ऑप्शंस को ऊपर और नीचे करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम डाउन का बटन यूज़ किया ऑप्शन को नीचे करने के लिए। तो अभी ये मेरा ऑप्शन सेलेक्टेड है वाइप डेटा। उसके बाद यहाँ पे मुझे ओके करने के लिए पावर बटन को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है वाइप ऑल डेटा। उसके बाद यहाँ पे मुझे फिर से पावर बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कन्फर्म वाइप ऑल डेटा, दिस कैन नॉट बी अनडन। मीन्स एक बार आप अपने डेटा को वाइप कर लेते हो, मीन्स रीसेट कर लेते हो, तो आपका ये अनडू नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम डाउन वाला बटन प्रेस करके कन्फर्म वाले ऑप्शन पे लाके यहाँ पे मैं पावर बटन को प्रेस करके ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा हार्ड रीसेट और मोबाइल फॉर्मेटिंग जो भी आप कह लो वो स्टार्ट हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे आ गया डेटा वाइप्ड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे आपको गो टू मेन मेन्यू का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको पावर बटन प्रेस करके ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिबूट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर वाइप डेटा नहीं करके रिबूट करना है। रिबूट मीन्स रीस्टार्ट। उसके बाद आपको फिर से पावर बटन पर प्रेस करना है रिबूट टू सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होने वाला है, तो आपको वेट करना है। तो चूँकि दोस्तों मेरे मोबाइल में MI अकाउंट भी बना हुआ था, तो यहाँ पे मुझे अपने MI अकाउंट का पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सेटिंग को ओपन करके किसी एक वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है अपने मोबाइल को। तो आप किसी दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके इसमें इंटरनेट कनेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्टिवेट दिस डिवाइस पे टैप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अपने MI अकाउंट का पासवर्ड इंटर करके एक्टिवेट पे टैप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पे टैप करना है। रीसेट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने फ़ोन को सेटअप करना होगा, जैसा कि आप नए मोबाइल को सेटअप करते हो, उसमें ईमेल ID साइन इन करते हो, उसका लैंग्वेज चूज़ करते हो, उसका थीम चूज़ करते हो, तो यही सब सेटिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा ये फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। तो स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया। तो आपको हार्ड रीसेट करने का दो तरीका मिलता है, एक तो आप सेटिंग में जाके कर सकते हो, दूसरा आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम बटन और पावर बटन को प्रेस करके ऑन करोगे तो वहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। और आप दोनों में से किसी भी तरीके से रीसेट करो, रीसेट करने के बाद आपको फ़ोन बिल्कुल नया टाइप का मिलता है, तो वहाँ पे आपको अपने फ़ोन को सेटअप करना होगा। जैसा कि आप स्टार्टिंग में अपने फ़ोन को सेटअप करते हो नया मोबाइल ख़रीदने के बाद, वहाँ पे आपको अपना ईमेल ID साइन इन करना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें, अभी के लिए बाय बाय।